हाइलाइटर यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। फाइनली मुझे मिल गया हाइलाइटर। हाइलाइटर होते हैं वो आपके पोर्स में चले जाते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। लगा लो अगर आपकी स्किन एकदम एप्पल टाइप की प्यारी प्यारी है तब तो आपकी स्किन पे चार चांद लगा देगा। हम वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो नॉर्मल ब्लॉग से बहुत अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ एक मॉमी मेकओवर जिसमें अपने हेयर, स्किन, बाल, मेकअप ये सब आने वाला है। मेरा छोटा सा शावर रूटीन भी आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी और साथ में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आप मदर हो, चाहे आपका एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा हो, अगर आपको पता रहता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है खुद के लिए कि आप कुछ भी कर पाओ, तो आज मैं एक दिन चुरा रही हूँ जो कि बहुत मुश्किल है। दिन से छोटे छोटे पार्ट्स चुरा रही हूँ जिसमें मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ। सबसे पहले जो अपने बाल हैं उस पर मैं कलर करने वाली हूँ। तो कलर मैं आज एकदम नया यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। तो हेयर कलर में मैं यूज़ करी हुई ये गार्नियर कलर नेचर का अल्ट्रा कलर। क्लेम है कि ये विजिबल ऑन डार्क हेयर भी है, ठीक है ना, कि ये काले जो बाल है आपके उस पर भी कलर दिखाएगा। तो अक्सर क्या होता है जब भी हम कलर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जब हमने कलर किया तो हमारे बालों में वो शेड क्यों नहीं आई जो शेड आपके पैक्ट पर बनी हुई है। तो वो शेड तब आती है जब आप ब्लीच करके कलर करते हो। अगर आप नॉर्मल डार्क हेयर पर कलर करते हो तो वो कलर नहीं आता है, और जहाँ पर आपके रूट्स हैं तो वहाँ पर वो कलर आ जाता है। जैसे आपके रूट्स वाइट हैं तो वहाँ पे कलर आ जाता है, बट इसमें लिखा है विजिबल ऑन डार्क हेयर। तो चलिए अब देखते हैं कि ये करता है नहीं करता है। तो चलिए इसको ओपन कर रहे हैं। ये है मेरा ब्रश और ये कटोरी जो है ये मेरी परमानेंट हेयर कलर करने के लिए ही है। तो इसको ओपन करते हैं और इसमें आपको एक मिलेगा ये कलर और एक मिलेगा आपको इसमें डेवलपर। उसके बाद फिर आपको इसमें मिलता है ग्लव्स। ये है पोस्ट कलर केयर कंडीशनर, जो आप कलर कर लोगे, वॉश कर लोगे, उसके बाद आपको एज अ कंडीशनर से यूज़ करना है। चलिए करते हैं इसे शुरू, लाइक मिक्स करना शुरू करते हैं। तो मैं पूरा प्रोडक्ट ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और मैं पूरे बालों पे ही अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं जो प्रोडक्ट है वो पूरा ले रही हूँ। के बाद मैं ग्लव्स पहनूंगी और जो मिक्स करना शुरू करूंगी, ये क्योंकि कलर थोड़ा बहुत जाता है हाथ में और आपके हाथ जो है वो काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है प्रोडक्ट मिक्स। अब जो कलर एप्लीकेशन है वो शुरू करेंगे। तो मैंने बालों को कॉम कर लिया है और ग्लव्स की हेल्प से हम जो बाल हैं उन्हें पार्टीशन भी कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट जो कलर है वो अप्लाई कर लेते हैं। मैंने मतलब मैक्सिमम जो अपने रूट के टचअप है वो कर लिए एंड ऊपर से भी कर लिया है ताकि जो कलर है वो विजिबल है या नहीं है ये हमें पता चले। तो चलिए अब टाइमर सेट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। मैंने 30 मिनट्स का टाइमर लगा लिया है। अब जब भी आपको ऐसे 20-30 मिनट मिलते हैं तो आपको अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए क्योंकि एक मॉम ट्रांसफॉर्मेशन है ये। इसलिए 30 मिनट्स में मैं करने वाली हूँ अपने फेशियल हेयर को वैक्स, और मेरी अपर लिप्स और ये चिन एरिया है यहाँ से मुझे अपने जो हेयर है वो रिमूव करना है। मेरी सबसे पहले तो ये वैक्स हीटर, और घर में हर मदर के पास वैक्स हीटर इज़ अ मस्ट। आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि आपको पार्लर के ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। मैं पार्लर के चक्कर तभी लगाती हूँ जब मुझे थ्रेडिंग करानी होती है, वो भी 2-3 महीने में।
वाइट चॉकलेट वैक्स, ये फेशियल वैक्स है, इसमें आपके जो हेयर है उसे आपको आराम से पील ऑफ हो जाते हैं, और साथ में ना इसमें कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रिप नहीं लगती है, तो ये रिमूव करता है आपके हेयर को, अपर चिन्नी आपको यहाँ के भी करने हैं तो यू कैन लाइक इससे यूज कर सकते हो। कटोरी वैक्स भी बोलती हूँ क्योंकि ये कटोरी तो इसमें आता है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और मैं इसको रख रही हूँ एज इट इज वैक्स हीटर के ऊपर, तब तक ये गर्म होगा और फिर हम इसे लगा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसे आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, है ना। इसको आपने यूज़ किया उसके बाद इसे वापस से पन्नी में कवर करके रख दो, जब भी आपको यूज़ करना है इसे वैक्स हीटर में रख दो। तो चलिए इसे जल्दी से हीट अप कर लेते हैं और अपने जो फेशियल हेयर है वो भी साथ साथ में रिमूव कर लेते हैं। तो इसको मैं एज इट इज़ रख लेती हूँ, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी में हीट हो जाता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको प्लग पे, और बच्चे अगर आपके घर पे हैं इस टाइम पे तो बी वेरी अलर्ट, बच्चे आए ना तो इसको। जो ये वैक्स है ये होने लगा है मेल्ट, तो मैंने इसको हाई पे कर दिया था और अभी थोड़ा जल्दी मेल्ट हो रहा है, तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं। नीचे से निकाल रही हूँ मैं जहाँ से ये मेल्ट है, हेयर जो है वो रिमूव हो गए। थर्टी मिनट्स को हमने बहुत ही अच्छे से यूज कर लिया है, मैंने अपने अपर लिप्स एंड चिन एरिया एकदम क्लीन कर लिया, इवन नोज भी मैं कर लेती हूँ, तो इससे क्या होता है जो डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। तो चलिए चलते हैं, अब शावर ले लेते हैं और कलर देखते हैं कि क्या कलर आया। बस मुझे लग रहा है कुछ तो आया है, आप लोग ऊपर दिख रहा होगा। तो अपने शावर रूटीन में मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो क्योंकि मैंने बाल कलर किए थे तो मैं यहाँ पे वही कंडीशनर यूज कर रही हूँ जो कि हमें कलर के पैकेट में मिला था। तो अभी मैं अपने जो टिप्स है उसे कंडीशनिंग कर लूंगी एंड देन फिर मैं ये बॉडी वाइज का बॉडी वॉश ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा है फॉर बम्पी स्किन। फिर मैंने एवे यूथ का स्क्रब लिया है, चार पांच दिन में मैं अपने जो नोज है उसे स्क्रब कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत है वहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़े से प्रोडक्ट्स में ही मैं अपना जो शावर रूटीन है वो कर लेती हूँ, जो मैंने यूज़ किया मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लिया है और भी थोड़े बाल सूखने देते हैं, उसके बाद धूप में देखेंगे कि क्या हुआ है। कुछ तो हुआ है, पर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ये अभी पता चलेगा। तो मेरे रूट से बहुत गंदा कलर आ गया जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये कलर पता है ऐसे इसके लिए ब्लीच करके बाकी रूट से मत करिएगा। और जी अभी खा रही है अपनी कुल्फी, मैंने कुल्फी जमाई थी पिछली वीडियो में, एंजॉय कर रही है अपनी कुल्फी। हेलो, क्योंकि बच्चे बाहर का खाएं सब आप घर में जमा लो। तो ये देखिए ये कलर आ गया है रूट्स पे, जो कि नहीं आना चाहिए था, ये कलर यहाँ पे आना चाहिए। मैं पहनने वाली हूँ ये ब्लैक सूट और इसका ना कुछ पैटर्न अलग है, मैंने ये मंगवाया है इन साइज एक्सेल। अगर आपको सूट पसंद आएगा तो आप ये ले सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको। ये है इन एक्सेल साइज़, मैंने एक्सेल मंगवाया, मुझे डर लगता है यार आजकल, वैसे एल भी आ जाता है बट मुझे अपने फ्रंट एरिया के कारण लगता है कि मुझे एक साइज एक्स्ट्रा मंगवाना चाहिए, लूज चल जाएगा, टाइट बिल्कुल नहीं चलेगा। मैंने पहन लिया है ये सूट और ये जो सूट है ये यहाँ से कट स्लीव से है, तो मुझे ना ये ही बहुत अच्छा लग रहा था और इसीलिए। तो आपको सिर्फ कुर्ता मिलेगा, पहले बता रही हूँ सिर्फ कुर्ता मिलेगा आपको, बाकी आप इसे पेयर अप कर सकते हो अपनी ब्लैक लेगीज के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने मेकअप रूम और करते हैं इस लुक को कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर मैं ले रही हूँ ये टैक का इंटेंस हाइड्रेशन बॉडी लोशन विद एलो एंड आलमंड ऑयल, और ये जो है ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है अगर आपकी स्किन ड्राई है। तो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट और अप्लाई कर रही हूँ, अरे 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 डोंट डू एनी वेयर यार, और इसको अप्लाई कर रही हूँ स्किन पे ताकि हमारे हैंड एंड फीट जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज रहें। अक्सर हम मेकअप करते हैं और अपने हाथों को और पैरों को भूल जाते हैं, जैसे मेकअप करते टाइम आप अपनी गर्दन को भूल जाते हैं। मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन, ये काफ़ी अच्छी काफ़ी लाइट है, इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है और समर के लिए बहुत अच्छी है, और इससे ना मॉइस्चराइजेशन जो है वो भी रहता है। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आपकी स्किन मेरी तरह है ऑयली देन इसी को यूज़ कर लें एंड
यू आर गुड टू गो। तो इसको मैं अच्छे से अपनी स्किन पे लगा लूँगी और जो भी आपका एक्सपोज एरिया है वहाँ पे आप इसको लगा दीजिए ताकि आपकी जो स्किन है वो गर्मियों में प्रोटेक्टेड रहे। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद मैं ले रही हूँ ये Maybelline Fit Me मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन और SPF इसका 20। कहते हैं कि ना प्राइमर आप पूरे स्किन पे कर लो यार, क्या वो करना, स्किन जो है ना आपकी बेस मेकअप लेने के लिए अच्छे से रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है ये। उसके बाद मैं इस मेकअप को थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहती हूँ। डे टू डे आप क्या मेकअप कर सकते हो और प्यारे लग सकते हो, ये एक मॉमी मेकअप है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल ही रखेंगे। हल्का सा मैं कंसीलर दे रही हूँ क्योंकि रात भर का जगराता रहता है बच्चों के साथ। बच्चों का कितना भी रूटीन सेट कर लो वो हफ्ते में आपको एक दिन तो परेशान करेंगे। पिंपल भी मैंने लगा लिया, मेरे पिंपल हुए एंड इसे थोड़ा सा आईलेट पे लगा रही हूँ। बस आई एम डन। अपनी रिंग फिंगर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। पता है मैं आज की डेट में अभी तक अपनी फिंगर से ना मेकअप ब्लेंड करने में ज़्यादा वो रखती है, स्पेशली जो छोटे छोटे आप कलर करेक्टिंग कर रहे हो या फिर आप कंसीलर लगा रहे हो तो इससे अच्छे से हो जाता है। तो डुग्गू और जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज गायब कहाँ है, तो वो अभी गार्डन गए हैं, उनके पापा उन्हें डेली पार्क लेके जाते हैं, डुग्गू झूला झूलता है, जिया पैदल चलती है और आज उनकी दादी भी साथ में गई हुई है। मैंने कहा कि आज ना मैं नहीं जा रही कहीं पे भी, मैं थोड़ा सा ना काम करूँगी, मेरे को बड़ी याद आती है मेकअप की। तो उसके बाद कंसीलर लगाने के बाद आपके लिए मैं ले रही हूँ ये है Maybelline Fit Me का फाउंडेशन इन द शेड 213 नेचुरल बफ। ये विथ SPF आता है, इसमें आपको मिल जाता है SPF 22 और मैंने ये मेकअप स्पंज लिया है जिसे मैंने पानी में अच्छे से भिगो के निचोड़ लिया है, जो कि इतना सा था इतना बड़ा हो गया। तो इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एक्स्ट्रा निकल जाता है, थोड़ा प्रोडक्ट वेस्ट होता है आपका स्पंज में। तो मैं इसे 3-4 पंप ले रही हूँ ताकि नेक पे भी अप्लाई कर पाएँ। मेरी नेक की डार्कनेस अभी तक नहीं गई है, हल्की हल्की डार्कनेस है। वैसे मेरी नेक इतनी काली हो गई थी कि मेरे पास ऐसे कमेंट आते थे कि आप नहाते ही नहीं हो क्या, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो ठंड में भी कौन ऐसा है जो ठंड में ठंडे पानी से नहाने नहाता है। मैं ठंड में ठंडे पानी से नहाती हूँ और बीच में हो गया था कमर दर्द वगैरह, तो मैं गर्म पानी से नहाने लगती हूँ ठंड में। बट मेरे साथ ऐसा है कि मैं ठंडे में गर्म का ठंडा पानी चाहिए, तो मेरा नहाना दिन में 2-3 बार का रहता है और यार नहाना चाहिए पता, पानी बचाओ पर इतना नहीं कि खुद को ना देखो। तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये स्किन टोन पर मैच हो जाता है मेरी। पहले मैं 228 भी लेती थी इसका, बट वो हल्का सा मेरे को लगता है कि मुझे ना भूत बना देता है। तो इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मेकअप स्पंज से क्या होता है, आपकी जो स्किन है उसमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पुश हो जाता है, साथ में ना जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाता है, एकदम लाइक केकी स्किन नहीं लगती आपकी। तो आई थिंक जब भी आप फाउंडेशन रूटीन कर रहे हो तो आपको ये लेना चाहिए। बाजू वाला बेबी है एक जो डुगू का दोस्त है, डुगू की एज का है, डुगू से 1 महीने छोटा है, वो खेल रहा है। अब क्योंकि गर्मी है बिना कॉम्पैक्ट के काम नहीं चलता है, मैं ले रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट। इट्स लाइक कितना यूज़ करती हूँ मैं से यार, ये ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कंसील लाइक आपके मेकअप को कंसील भी कर देगा एंड साथ में ना काफ़ी लाइट वेट भी है, वाइट नहीं करता है। मैंने ना एक जस्ट हर्ब्स का मंगवाया था, आई थिंक मेरे को लग रहा उसकी टोन ख़राब आ गई है, लाइक काफ़ी लाइट आ गया, बट वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ना केकी कर देता है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा कॉम्पैक्ट भी डन। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारा तो अभी निकल ही जाएगा यार मेकअप। अब फेस में कुछ कलर ऐड करना है तो मैं ना ये ले रही हूँ, ये है स्विस ब्यूटी की अल्ट्रा ब्लश पैलेट, इससे मैं ये वाला शेड उठा रही हूँ। और ये वाला शेड है ना ये, जैसे आप कभी डार्क मेकअप कर रहे हो, रात के लिए मेकअप कर रहे हो या शादी वाला मेकअप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो हल्का सा मैं फेस में कलर ऐड करूँगी। तो बताइए यार क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, बच्चे कितने परेशान करते हैं। मैं तो अपनी पूरी लाइफ दिखा देती हूँ, जैसे मुझे काफ़ी जज भी किया जाता है कि ऐसा कर दी, पर मैं पता है रियलिटी पे यकीन रखती हूँ। गाली खानी पड़ती है कभी कभी, ठीक है यार बच्चों को बिगाड़ दिया ये कर दी, बट बच्चे ही हैं है ना। मैं एकदम ऐसा नहीं प्रेजेंट कर सकती बच्चों को, यार मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, बड़े एकदम शांत वाले बच्चे हैं, नहीं वैसे बच्चे नहीं हैं, जैसा होता है वैसे बच्चे हैं आज के। पर आज के ना बच्चे कुछ ज़्यादा ही अगर बोले तो बच्चे ना आजकल ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा एडवांस हैं,
लाइक एक साल का बच्चा जो मेरा है वो मेरे पहले बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, मुझे लगता है कुछ ओवर एडवांस है, वो इतना एडवांस है कि उसे सब कुछ समझ में आता है सब कुछ। आपको और आपको लगता है ना एक साल का बच्चा क्या समझेगा, उसे जिद समझ में आती है, जिद कैसे करनी है, लेटना है। फिलहाल तो हमें बड़ा अच्छा लगता है पर हमें पता है वो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को। फिर अब मैं ये ले रही हूँ यार, ये बहुत अच्छा लिप, ये है अर्थरदम का और बहुत ही कम लगाइए, बहुत ही प्यारा सा वो देता है आपको लाइक ब्लश। तो इसमें भी आपको शेड्स मिल जाएंगे, मैंने रेड मंगवा के रखा है क्योंकि जब इसको आप फैला लेते हो ना तो ये फाउंडेशन पे पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से फैला दूँगी तो ये ड्राई नहीं करता मेरी स्किन को, ये कितना नेचुरल हो देता है ये स्किन पे और ना ड्राई नहीं लगता है आपकी स्किन पे। नहीं, 10-15-20 साल पहले का दोस्त था वो मिला, उसका बच्चा भी था साथ में, वो डुबू का दोस्त बन गया, उसके साथ परेशानी करके पीछे रहता है वो, तो उसके साथ खेलने में लगा, बड़ी मुश्किल से छूट गया है, आ ही नहीं रहा था। 2020 में वो हुआ था, 2020 का केस है, बच्चे को बच्चा हुआ है, वो 3-3.5 साल का था, डुबू से दिखने में छोटा पतला सा, अभी हाँ, अभी हाँ। वही जो आया था वही बच्चा जो डुबू के साथ खेला। 6 महीने के बाद पता चला 4 हो पैदा होने के, हाँ ब्रीथिंग वगैरह प्रॉब्लम होती थी। 3 महीने मुंबई में रहे, सर्जरी हुई है, हार्ट में 4 हो गई उसकी कोविड के समय 2020 में, बच गया, करवा दिया उसने अपना सर्जरी वगैरह सब, कितना परेशान रहे मुझे सोचना होगा कितना। तो ये देखिए कितना अच्छा आया है और अब मैं ले रही हूँ ये स्विस बियॉन्ड, मेरे पास स्विस ब्यूटी का बहुत सामान है, स्विस ब्यूटी का सामान लिटरली बहुत अच्छा आता है। तो इसमें से मैं एक ग्रे कलर ले रही हूँ, इसी का ब्रश है ये, इससे मैं करूँगी आईब्रो फिल। काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे को, एक बार समझ में नहीं आती है मैं कैसे पहले अपनी जब लॉकडाउन था अपनी आईब्रो मैं बना लेती थी घर में, बहुत आश्चर्य की बात है इतने इतने महीने आईब्रो बनाई है और अब बना ही नहीं पाते। तो आईब्रो कर ली है मैंने फिल, अब करते हैं हम अपनी आईज़ को फिक्स। पता नहीं राजा मुझे बता रहे थे, मैंने आप लोगों को आई थिंक सुनाया होगा, वो गार्डन से आ रहे थे, उनके एक दोस्त मिले थे, इनके बच्चे को जब वो 6 महीने का था तो दिन में 4 छेद, वो भी कोविड के टाइम पे। अब वो बच्चा 3.5 साल का है, 3.5 साल का, डुगू से मिला, डुगू का दोस्त बन गया, वो ही बता रहे थे यार कि कैसा कैसा हो जाता है। पता है पहले कुछ इमोशंस नहीं रहते जब तक आप माँ बाप नहीं बनते हो, जब आप माँ बाप बन जाते हो ना तो एक कोई भी बच्चा हो उसकी तकलीफ देख के अब कुछ होने लगता है, मुझे कुछ होने लगा। तो आई मेकअप ना हम थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, तो मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ सिंपल जाती हूँ तो सबसे पहले तो आप ये क्रीमी वो ले लीजिए क्योंकि कंसीलर लगाया ना तो क्रीज लाइन पे आ जाता है। तो मैं ना ब्राइडल मेकअप सोच रही हूँ करने का, एक तो ट्रेंड चल रहा है यार, ट्रेंड नहीं कर पाऊँगी मैं वो सन वाला, क्योंकि ट्रेंड करेंगे ना हम तो ना हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाता ये सब क्योंकि उनके लिए चाहिए होता है टाइम, पर वो टाइम मैं सोने में इन्वेस्ट करती हूँ अपना। यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड दे रही हूँ ये एंड बस इतना ही करेंगे। सिर्फ क्रीज लाइन डिफाइन कर लो, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, क्रीज लाइन डिफाइन करो एंड कोई भी चमकीला पमकीला लगा लो अपने आंखों के ऊपर एंड आपका काम बन जाता है। आज फिर मैं ले रही हूँ ये लाइनर, बट मैंने ना इस बीच में ये मंगवाया है यार, ये मुझे ट्राई करना था। मैं ना मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ तो काफ़ी महंगा आता है, तो मेरे को लगा इसमें कुछ अलग हाइलाइटर पे करते हैं। वो 1400 का आता है, ये 300 का इसमें मेंशन है, प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी तो उसमें ये आई थिंक डिस्काउंट में ही है। तो ये मार्स का ग्लोजिला पैलेट फेस किट है, इसमें आपको 4 तरह के बेक्ड हाइलाइटर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये वाला हाइलाइटर बहुत अच्छा जाता है इंडियन स्किन टोन के साथ क्योंकि ये वाइट नहीं होता और मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा है यार ये, और बाकी का आप आईज़ पे यूज़ कर सकते हो, कहीं यूज़ कर सकते हो। तो मैं हल्का सा ना ये ऊपर वाला ले रही हूँ और हल्का सा देख हल्का सा यहाँ पे टच करा रही हूँ, वाह
को अपने सेंटर ऑफ आईलेट पे इसको रखना है। ये वाला शेड कभी भी देखेगा, जब आप इस शेडों पे जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा चमकीला चमकीला लगता है, बट ये वाली जो है टोन ये बड़ी अच्छी आती है। आए हाय अंतर देखें, हो गए ना ग्लोई ग्लोई। तो यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। फाइनली मुझे मिल गया हाइलाइटर, काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बहुत साल लग गए। मैंने शुगर का भी ट्राई किया था यार, वो मुझे पाउडरी लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पाउडरी पर रखा होगा यही कैसे है ना। और इसे थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेंगे, चलो यार ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मार्स का 2-in-1 लाइनर। इसमें ना एक साइड में स्टार है, एक साइड में लाइनर है, पेन लाइनर है। बस इसमें एक इशू है, इसकी जो टिप, इसकी जो टिप है वो पतली, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसे लगाने में, बट एकदम थिन लगाएंगे लगाऊंगी लाइनर। मेरे को ना पतला लाइनर बड़ा अच्छा लगता है नीचे निकला हुआ। नॉट अ गुड लाइनर आउट ऑफ वाटर लाइन में लगाने के लिए, तो लाइनर ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। मैं अभी ले रही हूँ ब्लैक में एब्सोल्यूट काजल, एंड इससे एक बार अपनी जो वाटर लाइन है वो फिल कर रही हूँ। मैं सोच रही थी वाइट लगा लेते हैं, नीचे से लाइनर बिगड़ गया है और मैं विंग नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि ये लाइनर बहुत रिस्की है। तो ये लाइनर अगर आपको स्टार के लिए चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये इसकी निभी नहीं सही यार। इससे अच्छा स्विस ब्यूटी का एक गोल्डन आता है, वो बड़ा अच्छा लाइनर है, वो आप लगा सकते हो। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इसे फिक्स करने में। अब मैं आई लैश कर्लर ले रही हूँ, एंड नेचुरल ही रखेंगे इसे थोड़ा सा, तो हम लैशेस नहीं लगाएंगे। और मेरा हार्ट फंस गया, ये वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा, ये है लॉरियल पेरिस का, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, गुड टू गो फॉर 6 months, एंड ज़्यादा ही मेरा बहुत टाइम हो गया, बड़ा अच्छे से चलता है। वाटर प्रूफ मस्कारा है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम दे देता है। आपकी लैशेज अच्छी है तो, मेरी तो हालत ही अच्छी नहीं है, पर फिर भी ऐसा ही लगता कि आपकी लैशेज ही नहीं है। अब हम लोग करते हैं लिप्स के लिए कुछ। तो मैंने ये मिनी लिपस्टिक मंगवाई थी रेने की, है क्रेविंग फॉर कॉफ़ी। मैं ब्राउन कलर से यूज़ नहीं करती, स्विस ब्यूटी का ये है लाइनर, और सबसे पहले लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ मैं। ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, इसकी शेड बहुत ही प्यारी है। अगर आप ब्राउन लवर है ना तो ये आपके पास होनी चाहिए। ये हो गया है। अब कुछ कमी लग रही है आपको, वो कमी है एक बिंदी की, बिंदी तो भैया मैं स्टार ही लगाऊंगी आज, लग जाएगी। चलो जय जय, मेरे को बहुत डर लगता है मेरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद कुछ भी मैस होना। लग गई, ये स्टार लग चुका है। और अब पहनेंगे इयरिंग। मैंने ना ये वाला लिया है झुमका, और ये 3 झुमके वाला है, ये ऐसी ड्रेसेस से बड़ा अच्छा जाता है ना। तो चलिए थोड़े से बाल फिक्स करते हैं और इस लुक को कंप्लीट। तो हो गए हैं मेरे बाल कर्ल, मैंने पूरे नहीं करे, थोड़ा टेक्सचर ऐड हो गया है, एंड ये मांग, बस मांग। तो यहाँ पे हो गया है मेरा ये मेकअप लुक डन। वो बाल मेरे ब्लीच थे ना, वहाँ पे कलर बहुत प्यारा आया है, तो मैं इसे दोबारा ट्राई करूँगी बट ब्लीच करने के बाद। तो यार मैं ये भूल गई थी, ये बहुत ही प्यारा बॉडी मिस्ट है, इसे लगा के लाइफ झिंगा ला रहा हूँ, लाइक खुशबू से भर जाओगे आप। तो ब्रेड खा रही है, खाए कर, ओहो नहीं फेंकते बेटा, बैठ के खा लो। तो चलिए मैं खाना बना रही हूँ, मैं कटहल बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं करी हूँ अपने इस वीडियो को एंड, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा चेंज किया है उम्मीद है। अगर आपको ऐसे और रूटीन्स देखने हैं या कुछ रूटीन्स जो सिर्फ लाइक स्किन केयर हेयर केयर वैसा कुछ देखना है तो नीचे कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।